दिल्ली के निजामुद्दीन की तबलीग जमात में शामिल हुए लोगों ने कोरोना की संख्या को किस कदर बढ़ाया ये देश ने देख लिया है। अलग अलग राज्यों में वैसे लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है, लेकिन अब इनके लोग हिमायत पर उतर आए हैं। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी अब ऐसे लोगों पर हुई कार्रवाई का विरोध शुरू हो गया है। आपको दिखाने जा रहे हैं कैसा ही मौलाना का वीडियो, जिन्होंने पाक से इस कार्रवाई पर अपना बयान दिया है, और देखिए किस तरीके से मीडिया को धमकी दे रहे हैं। चंद पैसों की खातिर आप लोग तबलीग के खिलाफ बोल पड़े, अरे बोलो, लेकिन जब तबलीग वालों ने हाथ उठा लिया और तुम्हारे खिलाफ अल्लाह के सामने अपना दरख्वास्त पेश कर दिया, तो इनमें ऐसे लोग हैं कि उनके हाथ खाली वापस नहीं होते। इसलिए मैं आप मीडिया वालों को खबरदार करता हूँ, मैं 25 साल से तबलीग कर रहा हूँ, मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, अल्लाह के वली इसमें मौजूद है। तबलीग करो या ना करो, लेकिन तबलीग के खिलाफ साजिश करने वाले बर्बाद हो जाएंगे, बच के रहो। तबलीग का चलाने वाला अल्लाह है। अल्लाह कौन चलाता है? अल्लाह चलाते हैं। इसके साथ अल्लाह की मदद है, इसके साथ अल्लाह की ताकत है, पूरा कुव्वत ताकत अल्लाह का इस काम के साथ है। हाँ, तबलीग वालों के साथ नहीं है, इस काम के साथ अल्लाह की मदद है। ये रेवण की चारदीवारी के अंदर हाँ जो तबलीग वाले रहते उनके साथ अल्लाह की मदद नहीं है, वहां पर जो आमाल होता है उन आमाल के साथ अल्लाह की मदद का वादा है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि बच के रहो, और ये साजिशें तुम्हारे सब नाकाम हो जाएंगे। लेकिन तबलीग वालों को इस चीज पे मजबूर न करो कि वो तुम्हारे और तुम्हारे साथ इस मिशन में जितने भी शरीक है उसके खिलाफ हाथ उठाए। ऐसे नहीं, फिर भी तुम हमारे कौम के हो, हमारे भाई हो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हो, हम सब की खैरख्वाही चाहते हैं। मैं तमाम मीडिया वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के लिए अल्लाह से डरो और तबलीग वालों के खिलाफ कोई साजिश न करो। झूठ तो तुम्हारा पहले से भी मशहूर है, मारूफ है, और झूठ को इतना आगे ना बढ़ाओ कि तबलीग वाले भी तुम्हारे झूठ की लपेट में आ गया। तबलीग एक ऐसी जमात है कि सारे फिरकों से, सारी सियासी पार्टियों से बालातर है। ये उस नबी का काम करने वाले हैं जिसके तमाम मक्का के मुशरिकीन काफिर उसके खिलाफ थे, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मेहनत शुरू की तो बड़े बड़े काफिर उसके मुकाबले में आए, अल्लाह ने उस सब को रेजा रेज कर दिया और हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन को गालिब फरमा दिया, और अल्लाह पाक ने इस दीन आली की जिम्मेवारी लिया कि इस दीन की हिफाजत अल्लाह खुद करेंगे। लिहाजा मेरा तमाम मीडिया वालों से दरख्वास्त है, मुअद्दबाना अजजाना रिक्वेस्ट है कि तबलीग वालों की बददुआ से बच रहो। अगर तबलीग वालों की बददुआ के जद में आ गए हो तो 7 पुश्तों तक तबाह बर्बाद हो जाओगे, फिर पछताओगे, लेकिन पछताना काम नहीं आएगा। ये से न देखो जो 94 साल से एक मेहनत चली आ रही है, लोगों की जिंदगियां बदल रही है, डाकू कातिल सानी शराबी सारे अल्लाह के सामने सजदे पे पड़ रहे हैं, लोगों की जिंदगी बदल रही है। अरे शर्म की बात है, चंद पैसों की खातिर आप लोग तबलीग के खिलाफ बोल पड़े। अगर उसका इशारा हमको मिलना चाहिए, फिर देख तबलीग वाले की बद्दुआ क्या करती है। खुदा से डरो, ये जो हमारे ऊपर हालात आए हुए इसका सब मिल के मुकाबला करे। आज जो हमारा मुल्क पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, हर किस्म के खतरात से बच रहा है, ये सिर्फ ये दीनी इदारे है। ये जो तलबा चटाइयों पे बैठ के अल्लाह की कलाम पढ़ता है, काल अल्लाह काल रसूल पढ़ते हैं, ये तबलीग वाले जो अपने कंधों पे बिस्तर उठा के मारे मारे फिर रहा है, तुम लोग तो खराटे लेके सो रहे हो, लेकिन तबलीग वाले सारी रात तुम लोगों के लिए रो रहा है। इसलिए तो तारिक जमी सब फरमाते हैं, एक भूख सी दिल में होती है, एक दर्द जिगर में होती है, हम रात को उठ रोते हैं जब सारा आलम सोते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, और ऐसे भी वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब के लिंक पर जाकर अभी सब्सक्राइब करें।